सत्यपाल मलिक ने कहा अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले होंगे गिरफ्तार। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी को जानकारी नहीं है, मैंने उस वक्त भी पुलवामा का मामला पीएम के सामने उठाया था और कहा था कि हमारे लोगों की गलती से ये हुआ है। मैं चाहता था कि इस पर जांच हो और मुझे लगा था कि इस पर जांच करेंगे, इसलिए उस वक्त मेरे इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था। ये कहना है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। बीबीसी के साथ एक खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुलवामा मामले में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनके सामने सब बातें रख दी थी तो गृह मंत्री को कुछ करने चाहिए था, इस्तीफा तो उन्हें दे देना चाहिए था जो जिम्मेदार थे। पिछले दिनों सत्यपाल मलिक ने जाने माने पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज दावे किए थे। उनके बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं, जिनमें कुछ सवाल उन पर भी उठाए गए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण में सत्यपाल मलिक के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उसी वक्त राज्यपाल के पद को लात मार देनी चाहिए थी, राज्यपाल के सीट पर चिपक कर बैठे रहे और अब 4.5 साल बाद बोल रहे हैं। यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को पूछना चाहिए कि ये सारी बातें हमसे अलग होने के बाद ही क्यों याद आती हैं। तो क्या सत्यपाल मलिक एक अवसरवादी हैं जो अपने रिश्ते खराब होने के बाद ये बातें कर रहे हैं? बीबीसी से बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कहा, पुलवामा जिस दिन हुआ मैंने पहले दिन ये बात उठाई, मुझे कहा गया कि आप चुप हो जाइए, फिर मुझे पता चला कि ये उस दिशा में ले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। उस वक्त इनका विरोध करना एक खतरनाक काम था क्योंकि फिर देशद्रोही करार दे दिए जाते। जब किसान आंदोलन के वक्त भी मुझे दिखा कि ये लोग किसानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तब भी मैंने मुद्दा उठा दिया था। आपको बता दें सत्यपाल मलिक ने करण थापर को दिए इंटरव्यू में एक और दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन मेघालय का गवर्नर रहते हुए उन्होंने राजस्थान में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने अपने कश्मीर के कार्यकाल की एक बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कश्मीर में उनके पास दो फाइलें आई थी, एक प्रोजेक्ट से RSS के एक बड़े व्यक्ति जुड़े थे और एक प्रोजेक्ट से उद्योगपति मुकेश अंबानी। इन विभागों के सचिवों ने उन्हें जानकारी दी कि इन प्रोजेक्ट्स में घपला है। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया था। आपको बता दें सत्यपाल मलिक जवाब देते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार से कोई चिड़ नहीं है, बल्कि गोवा से मुझे भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर भी हटाया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पर कार्रवाई करने की बजाय मेरा ही ट्रांसफ़र कर दिया और कश्मीर में वो प्रोजेक्ट्स कैंसिल करने के बाद ही उनसे मिलने गया था। मैंने कहा था कि मैंने कैंसिल कर दिया है, आप चाहते हैं तो मुझे हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी बड़ी प्रमुखता से उनके उठाए सवालों को अपना मुद्दा बना रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार